कि भाई ये लोकल लोग कहाँ जाएंगे, इनका इनका क्या होगा। मेरे वक्त में भी जब पावर प्रोजेक्ट्स थे उनमें लोकल एम्प्लॉयमेंट थी, और अगर आज देखें उन इलाकों की हालत, वो गरीबी से ऊपर उठ गए थे उन प्रोजेक्ट्स से। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देनी पड़े चाहिए कि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। सर, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि इन्होंने वो तीन लॉ जो है वो रिपील किए। अगर के 700 से ज़्यादा लोग मर गए मगर रिपील किया, बहुत अच्छी बात है। मैं आगे भी इनसे गुजारिश करूँगा कि जब भी ये कोई लॉ बनाएं, और अगर अपोजिशन इनसे कहती है कि साहब इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसको देखिए, तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। हम लोग कोई आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको बेहतरीन एडवाइस देंगे जिससे कि आपकी हुकूमत भी चल सकेगी और मुल्क भी तरक्की कर सके। सर, जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वेरी मच डिपेंडेंट सर ऑन टू सेक्टर्स, वन इज़ टूरिज्म, वन इज़ दी हॉर्टिकल्चर। सर, हमारे एप्पल ग्रोवर्स की यह हालत न सिर्फ हमारे बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी एप्पल ग्रोवर जो है आज रो रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ईरान से इम्पोर्ट कर रहे हैं, और उनका एप्पल यहाँ बेच रहे हैं जिसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है लाने के लिए, और हमारे लोग जो हैं उनके एप्पल कोल्ड स्टोर्स में और बाकी जगहों पर सर्दी में इस वक्त सड़ रहे हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा धक्का हमारे इन लोगों को है। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो हमारी बैकबोन है, उसमें होटेलियर्स भी हैं, उसमें घोड़े वाले भी हैं, उसमें टैक्सी वाले भी हैं, उसमें शिकारे वाले भी हैं, हाउस बोट वाले भी हैं, हर तरफ से हर कोई इंसान उसमें इन्वॉल्व है, और लाखों में इन्वॉल्व हैं इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि कई सालों से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि साहब टूरिज़्म को जो है इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए, सो दैट हमारे लोग जो हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।